नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि आपको स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर्स है जिसको आपको देखना चाहिए और तब जाकर के आपको स्टॉक चूज करना चाहिए। मतलब सारे फंडामेंटल और टेक्निकल पॉइंट्स जो है, कौन से फंडामेंटल और टेक्निकल पॉइंट्स आपको स्टॉक्स में देखनी चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बहुत खास होने वाला, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप स्टॉक चूज करना चाहते हैं कि आपको स्टॉक को कौन कौन से एनालिसिस के आधार पर देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले बता दें, हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से बहुत सारे वीडियोज है जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाउ टू एनालाइज स्टॉक्स बिफोर बाइंग। बिफोर बाय करने से पहले आपको स्टॉक को एनालाइज कैसे करनी चाहिए कि आप उस स्टॉक को सिलेक्ट करें और उसमें बाइंग करें। हमने कुल 10 पैरामीटर्स लिए हैं जिसको आपको देखना चाहिए स्टॉक को बाय करने से पहले। तो ये 10 पैरामीटर्स है उसकी बात करेंगे हम इस वीडियो में, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको देख करके आपको बाय करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम आज जाए हैं, तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है EPS, अर्निंग पर शेयर। दोस्तों किसी भी स्टॉक्स को बाय करने से पहले ये सबसे पहला क्रिटेरिया और सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिटेरिया है कि उस कंपनी का EPS क्या है। मतलब हर शेयर पर कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, हर शेयर पर कंपनी कितना अर्न कर रही है, उसके आधार पे आप स्टॉक्स को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन EPS से स्टॉक्स को कंपेयर करने पर आपको सेम कैटेगरी के ही अलग अलग स्टॉक को चूज करना है। मतलब दो स्टॉक या दो से अधिक स्टॉक्स को कंपेयर कर सकते हैं जो सेम सेक्टर का है। जैसे IT सेक्टर का है तो आप TCS, Infosys, Wipro, HCL Tech, इन्हीं सारी कंपनियों को EPS के आधार पर कंपेयर कर सकते हैं, ना कि आप TCS को रिलायंस से कंपेयर करें, क्योंकि रिलायंस अलग सेक्टर से है और TCS अलग सेक्टर से है। तो EPS में इसमें जो क्राइटेरिया है, मतलब इसका जो लिमिटेशन है, मतलब ये जो आप अप्लाई कर सकते हैं सेम सेक्टर के ही कंपनी को चूज करने में, आप पूरे स्टॉक मार्केट के कंपनी को चूज करने में आप इसका कंपैरिजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हर सेक्टर का अर्निंग पर शेयर जो है वो अलग अलग होगा, क्योंकि हर सेक्टर का बिजनेस मॉडल अलग होता है, हर सेक्टर का प्रॉफिट जो होता है मार्जिन वो अलग होता है। इसलिए EPS के आधार पर सेम सेक्टर के ही दो कंपनियों को आपस में आप कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है PE रेशियो, द PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब शेयर का प्राइस कितना है और उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है। मतलब एक शेयर का प्राइस ले लीजिए और एक शेयर का EPS ले लीजिए, तो एक शेयर के प्राइस और एक शेयर के अर्निंग के रेशियो को ही हम PE रेशियो कहते हैं। PE रेशियो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो जब PE रेशियो बहुत ही कम होता है तो माना जाता है कि स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। तो जनरली जो हमारा 15 और उससे के नीचे होता है PE रेशियो, तो उसको हम बोलते हैं कि PE रेशियो जो हमारा वो अंडर वैल्यूड है, मतलब स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है। और जब 25 उससे अबव चला जाता है तो हम बोलते हैं, मतलब जो निफ्टी है उसका PE जब 25 उससे ऊपर चला जाता है, हम बोलते हैं कि अब मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो उसी तरह से PE रेशियो के आधार पर आप अलग अलग स्टॉक्स को कंपेयर कर सकते हैं कि आपको एक रुपया अर्न करने के लिए कितना प्राइस पे करना पड़ता है। तो PE रेशियो बताता है कि आपको उस कंपनी के एक स्टॉक से एक रुपया कमाने के लिए कितना रुपया आपको पे करना पड़ रहा है उस स्टॉक में। तो ये आपको देख करके किसी भी स्टॉक्स, मतलब कोई भी स्टॉक्स कितना महंगा है या कितना सस्ता है, मतलब कितना अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, ये कंपेयर कर सकते हैं। तो PE रेशियो के आधार पर आप जो स्टॉक से सस्ता मिल रहा है उसको देख सकते हैं, मतलब जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और जो ओवर वैल्यूड स्टॉक है उसको देख सकते हैं। तो ये बहुत ही बहुत वैल्यू इन्वेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, कि अगर सस्ते PE रेशियो पर मिल रहा है, मतलब स्टॉक्स आपको बहुत ही सस्ता मिल रहा है, तो आप उस अगर कंपनी में बिजनेस में आगे बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, कंपनी आगे बहुत ही ज़्यादा अच्छा करने वाली है, तो आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पोजिशन के लिए, क्योंकि PE रेशियो काफ़ी सस्ता है, मतलब आपको स्टॉक्स काफ़ी सस्ते वैल्यू पर मिल रहा है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। दोस्तों डेप्ट टू इक्विटी रेशियो ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब पैरामीटर्स में से एक है, क्योंकि कंपनी के ऊपर अगर डेप्ट बटन
बहुत ज़्यादा है तो कंपनी को अपना डेब्ट रिमूव करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, अपना काफ़ी ज़्यादा अर्निंग वो डेब्ट को रिमूव करने में लगा सकता है। और कंपनी अगर अपना डेब्ट कम नहीं कर पाती है तो निश्चित है वो कंपनी आगे चल करके बर्बाद होने वाली है। वैसे बहुत सारी कंपनी का उदाहरण है, रिलायंस कम्युनिकेशन आपने देखा, आलोक इंडस्ट्री देखा, वैसे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, रुचि सोया देखा, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो पूरी तरह से डेब्ट के कारण बर्बाद हो चुकी है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, मतलब उस कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है और उसका इक्विटी का वैल्यू क्या है, ये रेशियो कितना है डेब्ट और इक्विटी का। तो जब ये रेशियो हमारा 1 से अधिक होने लगता है तो हम मानते हैं कि उस कंपनी के ऊपर डेब्ट जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब वो कंपनियाँ अब जो है कर्ज के बोझ से दब रही है। तो इसलिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है देखना। तो आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देख करके ही किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही ज़्यादा है तो हो सकता है वो अभी आपको दिख रहा हो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आगे जा कर के उसके बिजनेस पर उस कंपनी पर काफ़ी इफेक्ट ये डाल सकता है। अब अगला जो हमारा है चौथा, वो है ग्रोथ ऑफ कंपनी बिजनेस। तो ग्रोथ देख करके ही आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी स्टॉक में। अगर उस बिजनेस में आगे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे हमारा जो आगे की ग्रोथ की बात करें, जो IT सेक्टर है उसमें काफ़ी ग्रोथ की संभावनाएँ हैं, जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है उसमें आगे काफ़ी ग्रोथ की संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी जो हमारा है सारा चीज़ डिजिटल हो रहा है तो उसमें हर कोई जागरूक हो रहा है, हर किसी के पास हमारे यहाँ पर खाता नहीं है। तो समझते हैं बैंक में खाता खुलाना, फिर उस बैंक में वो अपना सेविंग करना, तो ये सारी चीज़ें अभी भी बहुत सारे आदमी के पास कमी है हमारे देश में। तो बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ है और जो लगातार डिजिटल हो रहा है हमारा हर चीज़, तो उससे IT सेक्टर में भी आगे ग्रोथ की काफ़ी संभावनाएँ हैं। तो मतलब जो भी हमारा बिजनेस है, जैसे ऑनलाइन अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा पैंडेमिक सिचुएशन है उसके कारण जो ऑनलाइन बिजनेस है उसमें काफ़ी ग्रोथ है, जो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो ऑनलाइन कोई भी चीज़ प्रोवाइड करता है उस बिज़नेस में काफ़ी ग्रोथ है। तो हमारे यहाँ वैसे कंपनियाँ बहुत ही कम लिस्टेड है जो कि ऑनलाइन सर्विसेज से रिलेटेड है। तो कंपनी के ग्रोथ, मतलब कंपनी के बिजनेस के ग्रोथ को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप लॉन्ग टर्म जैसे 10 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगला है हमारा डिविडेंड यील्ड। दोस्तों डिविडेंड यील्ड एक पैसिव इनकम होता है, मतलब जैसे डिविडेंड यील्ड किसी भी कंपनी का 2 है तो आपको हर 100 रुपया में 2 रुपया हर साल आपको एक पैसिव इनकम के रूप में मिलता है। अगर आप 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में और डिविडेंड यील्ड उसका 2% है तो आप 1,00,000 का 2% आप निकाल सकते हैं कि 2,000 रुपया हो जाएगा आपका हर साल का मंथली इनकम। तो समझ सकते हैं डिविडेंड यील्ड आपके लिए एक पैसिव इनकम जनरेट करता है। तो आप वैसे स्टॉक जिसमें आगे काफ़ी अच्छा ग्रोथ है साथ साथ वो डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है तो आप वैसे स्टॉक को अवश्य चूज करें, क्योंकि डिविडेंड यील्ड एक आप समझ सकते हैं 2% है तो हर साल वो आपको 2% का रिटर्न दे रहा है। और आप FD में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जनरली 6% मतलब इनकम टैक्स रिलीफ के बाद आप 6% का मतलब रिटर्न प्राप्त करते हैं, और यहाँ 2% आपको रिटर्न तो डिविडेंड यील्ड के रूप में मिल गया, साथ ही साथ आगे ग्रोथ के रूप में भी आपको उसमें रिटर्न मिलने वाला है। तो इतना बेहतरीन होता है डिविडेंड वाले स्टॉक्स, मतलब हाई डिविडेंड वाले जो स्टॉक्स हैं। इसलिए आप वैसे कंपनी चूज करें जिसमें ग्रोथ भी हो, जिसका डिविडेंड भी अच्छा हो। तो वैसे कंपनियां जब चूज करते हैं तो आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करके देता है ये, जिससे आपको रेगुलर हर साल इनकम प्राप्त होता रहेगा। उसके बाद हम अगले पॉइंट पर चलते हैं कि किसी भी स्टॉक को चूज करते हैं तो 5 पॉइंट आपने सीख लिया, आगे भी हमारे 5 पॉइंट्स हैं। मतलब इतने सारे पैरामीटर्स पे एनालिसिस करने के बाद आप किसी भी स्टॉक इन्वेस्ट करेंगे एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो सबसे मतलब 6ठा नंबर पर जो है एनालिस्ट रिकमेंडेशन। एनालिस्ट जो होते हैं बहुत सारे रिकमेंडेशन देते हैं, जो एनालिस्ट है उसके रिकमेंडेशन को जब आप पढ़ते हैं तो उससे आपको ये सीखने मिलता है कि वो किस पैरामीटर्स पे उस स्टॉक को एनालाइज करते हैं। जो एनालिस्ट होते हैं उसके रिकमेंडेशन को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप 500 एनालिस्ट के रिकमेंडेशन को पढ़ते हैं तो निश्चित है आप उसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो इसलिए जो एनालिस्ट होते हैं उसके रिकमेंडेशन को आप पढ़ें और फिर जो है आप शेयर को जज करें, स्टॉक्स में निर्णय लें कि किस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट
टेस्ट करनी चाहिए। उसके बाद हमारा अगला जो है वो है टेक्निकल एनालिसिस। आपने सारा फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, तो फंडामेंटल एनालिसिस कर लेने से आपको क्या मिलेगा, उसके फंडामेंटल्स को आप जान पाएंगे और उसका प्राइस क्या होना चाहिए, उस स्टॉक का जो हमारा इंट्रेंसिक वैल्यू है उस स्टॉक का क्या होना चाहिए। तो ये तो आपने प्राइस उससे निकाल लिया और उसके फंडामेंटल्स को आपने जान लिए, एक उस कंपनी का फंडामेंटल्स, उस स्टॉक का फंडामेंटल्स कैसा है उस शेयर का। लेकिन उस स्टॉक में किस लेवल पे आपको बाइंग करनी चाहिए, किस लेवल पे आपको स्टॉक में इंटर करनी चाहिए, अपना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये कौन बताता है, टेक्निकल एनालिसिस। तो जब आप टेक्निकल एनालिसिस को द्वारा उसके चार्ट को कंपेयर करते हैं, चार्ट को एनालाइज करते हैं, तो आपको पता चलता है कि किस लेवल पे आपको उसमें बाइंग करनी चाहिए, पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करते हैं तो आप किसी भी प्राइस पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उस स्टॉक को जिसमें के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें ग्रोथ है बिजनेस में, ऊपर ही जाना है। लेकिन आप जब हायर प्राइस पर बाय करेंगे तो आप नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी कम प्राप्त करेंगे और नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है आगे चल कर के आपके लिए बहुत ही मायने रखने वाला है, क्योंकि जो आगे होता है नंबर ऑफ स्टॉक्स वो काफ़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है बोनस और स्प्लिट से। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको इसीलिए देखनी चाहिए कि आगे उस कंपनी के बिजनेस में अगर ग्रोथ है तो आपके उसके टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा जिस समय आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो उसका प्राइस क्या होना चाहिए, किस प्राइस पर आपको एंटर करने चाहिए, इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस जरूर करनी चाहिए। उसके बाद हम आठवें पॉइंट पर चलते हैं, इन विच फेज सेक्टर विल गो इन कमिंग टाइम। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी जो आप देख सकते हैं कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक सिचुएशन है, तो अभी कौन सा बिजनेस ग्रो कर रहा है, अभी जो ऑनलाइन बिजनेस है, जिसका भी ऑनलाइन जैसे फूड डिलीवरी बिजनेस है, किसी का ऑनलाइन ट्विटर बिजनेस है, आपने ऑनलाइन ट्विटर में जैसे अनएकेडमी देखा होगा, बैजूहूद देखा होगा, तो ये सारे अभी काफ़ी ग्रो हो रहे हैं। तो इसी तरह से हर सेक्टर का एक फेज आता है, अभी जो है फार्मा सेक्टर का काफ़ी मतलब चलन है, आईटी सेक्टर आने वाले समय में काफ़ी बूम होने वाला है। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको देखना है कि सेक्टर किस फेज में है। अगर कोई सेक्टर बहुत ही ग्रोइंग फेज में है तो उसके छोटे छोटे स्टॉक्स भी परफॉर्म कर देते हैं, तो आप उस सेक्टर के अगर लीडर के साथ जाते हैं तो समझिए कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा वो, आपको कितना बेहतरीन रिटर्न देगा। तो जैसे अभी फार्मा सेक्टर काफ़ी ग्रो फेज में है, ये काफ़ी पिछले 3-4 साल से अंडर परफॉर्म रहा था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कई फार्मा स्टॉक्स 100% तक का रिटर्न दे चुका है मात्र 3 महीने में। तो ये देखना है आपको सेक्टर किस फेज में है। तो सेक्टर अगर ग्रोइंग फेज में है, अगले 10 साल तक परफॉर्म करने वाले हैं, तो आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उसी सेक्टर में होना चाहिए। जैसे आगे बोला जा रहा है कि जो हमारा FMCG सेक्टर है ये तो एवरग्रीन सेक्टर है, वो सब दिन आपको एवरेज रिटर्न देता रहेगा। उसके बाद IT सेक्टर जो कि आने वाले समय में ग्रो हो सकता है और तेज़ी से, और जो भी ऑनलाइन आधारित हमारे सर्विसेज देने वाले हैं, ऑनलाइन सर्विसेज देने वाले जो भी कंपनियां हैं, भारत में बहुत ही कम लिस्टेड कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट में जो कि ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें से एक है Naukri.com, InfoEdge उसके स्टॉक का नाम है। तो वो स्टॉक्स भी है जो कि ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, Zomato हो गया, और जो शिक्षा.com हो गया, Naukri.com हो गया, JeevanSathi.com हो गया, इस सारे ऑनलाइन सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है, लेकिन उस पर भी इफेक्ट पड़ा है क्योंकि Naukri.com तो प्रोवाइड हो गया है इस पैंडमिक सिचुएशन के कारण, लेकिन उसका जो Zomato है और जो शिक्षा है ये सारा परफॉर्म अभी भी कर रहा है, तो उस पर बहुत ही कम इफेक्ट पड़ा है और आने वाले समय में वो ज़रूर है कि आगे उसमें तेज़ी देखने आपको मिल सकता है। तो इसलिए सेक्टर किस फेज में है ये आपको ज़रूर देखना है। अगला है हमारा मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कैसा है। आपने तो सारा फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, टेक्निकल एनालिसिस कर दिया, और जो बिजनेस का ग्रोथ है आगे कौन सा सेक्टर किस फेज में आने वाला है, कौन सा सेक्टर ग्रोइंग फेज में आने वाला, सारा पैरामीटर्स आपने चेक कर लिया और सब पे आपका स्टॉक फिट बैठ गया, लेकिन मैनेजमेंट अगर उस कंपनी का अच्छा नहीं है तो आपका स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करने वाला है। क्योंकि अगर आप किसी भी गाड़ी जो विजय केडिया साहब है कई बार बोले हैं उनका अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, आप चाहे मर्सिडीज ले लो चाहे ऑल्टो ले लो, मतलब छोटे से कार ले लो, अगर रोड भी अच्छा है मतलब हाईवे भी बहुत अच्छा है लेकिन आपका ड्राइवर अच्छा नहीं है तो आप वो मर्सिडीज भी ले जाएगा तो आपको एक्सीडेंट कर सकता है, लेकिन ड्राइवर काफ़ी अच्छा है तो आपके ऑल्टो को भी आपको मंजिल तक पहुँचा देगा, मतलब आपका स्टॉक्स धीरे धीरे
धीरे भी चलता है वो मंजिल तक आपको पहुंचा देगा। आपका स्टॉक तेज़ी से ग्रो हो रहा है तो भी मंजिल पर पहुंचा देगा जब मैनेजमेंट उसका अच्छा होगा। लेकिन मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो तो वो स्टॉक्स कितना भी भाग गया वहाँ से वो बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए कंपनी के मैनेजमेंट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट हो वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। आप सबसे पहला जो पैरामीटर्स देखेंगे कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप। बहुत सारी कंपनियां होती है जिसमें प्रमोटर्स डोमिनेट करता है, ऐसे लगभग अप्रॉक्स सारी कंपनियां प्रमोटर्स डोमिनेट करता है। लेकिन कुछ कंपनियां हैं जैसे आईटीसी में कोई प्रमोटर नहीं है, इन्फोसिस है उसमें प्रमोटर्स मात्र 13% स्टेक है। तो बहुत सारे वैसे कंपनियां हैं जिसमें प्रमोटर्स के जो स्टेक है काफ़ी कम है। लेकिन प्रमोटर्स का स्टेक कम होने से बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है, कंपनी आगे परफॉर्म नहीं करने वाली है। और दूसरा होता है कि प्रमोटर्स अगर शेयर बाय कर रहा है किसी कंपनी को तो उससे एक इंडिकेशन आता है कि आगे कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। और जब प्रमोटर्स ही शेयर को सेल करता है तो माना जाता है कि वो कंपनी आगे अच्छा नहीं करने वाली, इसलिए प्रमोटर्स अपना शेयर सेल कर रहे हैं, अपना स्टेक सेल कर रहे हैं और कंपनी से आउट होना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये सारे साइकोलॉजी होते हैं प्रमोटर्स और प्रमोटर्स ग्रुप का जो होल्डिंग है उसके आधार पर। तो ये सारे 10 पैरामीटर्स थे जिसके आधार पर आपको स्टॉक को जज करना चाहिए कौन सा स्टॉक बेहतर है, कौन सा स्टॉक आगे अच्छा परफॉर्म करने वाली है। तो चलिए अब इन सब चीज़ों को हम आपको चार्ट पर दिखाते हैं कि कैसे आप इन सारे चीज़ को सारे पैरामीटर्स को कंपेयर करेंगे। तो हम चलते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर। तो हम आ चुके हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे। यहाँ पर हमने दो शेयर को चूज किया है जिसके कंपेयर में हम आपको ये सारे रेशियो दिखाएंगे। पहला है इन्फोसिस, दूसरा है रिलायंस। रिलायंस जानते हैं कि उसका जो मैनेजमेंट है मुकेश अंबानी जी है जो कि काफ़ी अच्छे हैं, बेहतरीन मैनेजमेंट में से एक है। उन्होंने जिस तरह से इस गिरावट वाले मार्केट में रिलायंस को मतलब इस तरह से संभाला, इस तरह से शेयर होल्डर को मतलब लॉस होने से बचाया, वो आप तो देख ही लिए कि काफ़ी रिलायंस परफॉर्म कर रहा है इस गिरावट वाले मार्केट में। और इन्फोसिस का भी मैनेजमेंट काफ़ी बेहतरीन है। आपने वीसर ग्लोबल केस बहुत सारे केसेस देखा होगा जिसे इन्फोसिस ने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया। तो दोनों मैनेजमेंट तो काफ़ी बेहतरीन है, मतलब आपने देख लिया कि ड्राइव पर इस स्टॉक्स का काफी बेहतरीन है। अब आप बात चलता है कि रेशियोज का। तो सबसे पहला जो रेशियो है आप अर्निंग पर से देखेंगे जो भी रेशियो है। तो चलिए हम रेशियो आपको दिखा देते हैं कि कौन से रेशियो आपको देखना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे आपको फाइनेंशियल पे क्लिक करना है। जैसे फाइनेंशियल पर क्लिक करेंगे यहां रेशियो आ जाएगा। रेशियो पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज खुलेगा। देखते हैं न्यू फॉर्मेट है और ओल्ड फॉर्मेट, आप जिसमें देखना चाहें उसमें देख सकते हैं। यहां पर देखते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर कितना है, 36 रुपये। और यहाँ देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर काफ़ी फ्लैक्चुएट हुआ है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, और ये मार्च 20 का है। तो अर्निंग पर शेयर में देखते हैं काफ़ी डिक्रीज हुआ है। अगर हम अर्निंग पर शेयर पे काफ़ी डिक्रीज हुआ है देख सकते हैं अगर हम बात करें पिछले 2 साल का, लेकिन पिछले 2019 से इंक्रीज भी हुआ है। तो इस तरह से आप अर्निंग पर शेयर देख लीजिए। उसी तरह रिलायंस का भी आप अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं कि रिलायंस पर हम चलते हैं आपको लेकर के। तो ये देखते हैं रिलायंस का है बेसिक अर्निंग पर शेयर, यहाँ पर देखते हैं 48। तो इसका भी पिछले साल कंपेयर में डिक्रीज हुआ है। और जब भी देखिए पिछले साल का सारे साल से ये लेस तो है अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर देख लिए। अब नीचे चलिएगा तो यहाँ से नीचे आपको सारा डिविडेंड देख लीजिए, सारे ईयर्स का यहाँ पर डिविडेंड आपको दिखा देगा कि रिलायंस का कितना डिविडेंड दिया है। फिर नीचे चलते हैं आपको दिखाते हैं डेप्ट और इक्विटी रेशियो। यहाँ पर देखते हैं टोटल डेप्ट टू इक्विटी, यहाँ पर देखते हैं टोटल डेप्ट टू इक्विटी रेशियो रिलायंस का कितना है, 0.54। मतलब जितना इक्विटी है उसका आधा डेप्ट है रिलायंस के ऊपर। तो यहाँ पर देख लिया आपने 0.54% है। अब हम चलते हैं इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में दिखाते हैं कि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कितना है। तो यहाँ पर हम नीचे चलते हैं इन्फोसिस के, यहाँ पर हम रेशियोज पाए हुए हैं। यहाँ पर देखते हैं टोटल डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है, इन्फोसिस के ऊपर कभी डेप्ट है था ही नहीं और ना ही है। तो न तो पहले था न तो अभी है। यहाँ पर आप नाम भी देख सकते हैं कंपनी का इन्फोसिस लिमिटेड, अभी जो करेंट प्राइस है 699 रुपीज़ है। तो इस तरह से आपने देख लिया। आप बैलेंस शीट देखना है डेप्ट कितना है ये भी देखते हैं, या तो आप डेप्ट और इक्विटी के रेशियो से ही आप देख लिया डेप्ट कितना है किस कंपनी के पास। इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं। सारे कॉर्पोरेट एक्शन देखना है तो यहाँ पर देखते हैं कॉर्पोरेट एक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसके कॉर्पोरेट एक्शन को देख पाएंगे कि कंपनी का कब कब जो है
डिविडेंड दिया है, कब कब बोनस दिया है, सारे कॉर्पोरेट एक्शन में आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन क्लिक किया, डिविडेंड यहाँ से सारा डिविडेंड, तो आप वहाँ से रेशियो पर भी देख सकते हैं, तो कब कितना डिविडेंड दिया है, कितना परसेंटेज में दिया है, बोनस कब दिया है कंपनी वो देख सकते हैं, स्प्लिट कब क्या है स्टॉक को वो देख सकते हैं। तो ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट काफ़ी यूजफुल वेबसाइट है, और भी वेबसाइट है जैसे स्क्रीनर, टिकट टेप, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कहीं पर भी आप देख सकते हैं, लेकिन मनी कंट्रोल हमें यूज करना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है कि आपको जो चीज़ देखना है उस पर क्लिक कीजिए, वो आपको सारे डाटा वहाँ पर आपको आ जाएंगे एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो उम्मीद करता है ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि ये वीडियो शेयर मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कोई भी स्टॉक कैसे चूज करें, अपने से कैसे चूज करें, क्योंकि आप बहुत सारे टिप्स पे आधारित रहते होंगे कि कौन सा स्टॉक चूज करें लॉन्ग टर्म के लिए, कौन सा शॉर्ट टर्म के लिए। तो इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।